हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं पासी चैंप और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्लूकोमीटर के बारे में। ये ग्लूकोमीटर एक्यूचेक कंपनी का है और ऑलरेडी मैंने एक ग्लूकोमीटर के ऊपर वीडियो बना रखी थी और वो है वन टच कंपनी का ग्लूकोमीटर। और उस वीडियो में मैंने अच्छे से ब्लड शुगर को यूज़ करते टाइम जितनी सारी चीज़ें होती है, जो प्रोसीजर होता है, उसको अच्छे से बताया है। तो आप चाहें तो आई के बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में एक्यूचेक कंपनी का जो ग्लूकोमीटर है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो ग्लूकोमीटर है ये थोड़ा अलग टाइप का ग्लूकोमीटर है। जो दूसरे ग्लूकोमीटर होते हैं उसमें प्रिक करके ब्लड को वो सक कर लेते हैं, लेकिन जो ये ग्लूकोमीटर है इसमें ब्लड की ड्रॉप को गिराना पड़ता है और तब रीडिंग आती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप वीडियो के आने वाले अपडेट्स को मिस ना करें। और आपके सामने है एक्यूचेक एक्टिव कंपनी का ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर। और गाइज इस वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर डलती है ग्लूकोमीटर स्ट्रिप और यहाँ पर है चिप, जिसे कोड चिप के नाम से भी जानते हैं। और मैं इसको आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये जो चिप है किस तरह की दिखती है। तो देखिए गाइज ये कुछ इस तरह की चिप है और हर ग्लूकोमीटर में ऐसी चिप स्पेसिफिक ही होती है उनके कोडों के हिसाब से। तो एक्यूचेक एक्टिव में ये चिप डालने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और बैटरी कंपार्टमेंट में गाइज एक बटन सेल डालने की फैसिलिटी मिलती है। और बटन सेल देखिए ऐसा होता है बटन सेल, और इसको डालने के बाद 6-7 महीने तक तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर रहे हैं। और ये है ग्लूकोमीटर स्ट्रिप और इसका भी कोड होता है, और हर ग्लूकोमीटर का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है। जैसे ये देखिए कोड 333, तो जौन सा हम ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहे हैं उसमें 333 कोड की जो स्ट्रिप डलती है। और ये है लेंसेट, और लेंसेट गाइस हमेशा आपने फ्रेश यूज़ करनी है, ताकि एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। ये देखिए कुछ इस तरह का होता है लेंसेट। ओके, तो इन्फेक्शन होने के चांस नहीं रहते, और साथ ही जब आप इसकी निडल को स्किन में प्रिक करते हैं, मतलब चुभाते हैं, तो पेन कम होता है। ये है लेंसिंग डिवाइस। लेंसिंग डिवाइस का यूज़ होता है प्रिकिंग के लिए, सुई चुभती है स्किन में जाके। और इस पर ये मीटर है, प्रिकिंग मीटर भी बोलते हैं इसे, और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितना अंदर तक डीप प्रिक करे स्किन में जाके। और आप थोड़ा सा केयरफुली इस जब इसको लेंसेट को आपने चेंज करना हो तो आप थोड़ा केयरफुली इसको चेंज करें, ताकि आपके ये चुभ ना जाए। तो ये मैंने निकाल दिया है। तो गाइज इसका ये जो बटन है ये देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पर डलता है, और मैं आपको डाल के भी दिखा देता हूँ कि लेंसेट इसके अंदर कैसे डलेगा। और आपने देख ही लिया होगा कि मैं एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली जो मेरा ट्राईपोड था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो मैंने सोचा कि एक हाथ से वीडियो को शूट कर लेता हूँ और एक हाथ से मैं ब्लड शुगर को चेक करके आपको दिखा दूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड। तो चलिए गाइज दोबारा अपनी वीडियो पर आते हैं। तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, ये देखिए कि थोड़ा सा आप केयरफुली रहिए, ताकि जो इसकी निडल है आपको लग ना जाए। और चलिए मैं इसको भी लगा देता हूँ। ओके, तो गाइस ये हो गया है सेट। और ये काम कैसे करता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्किन में कैसे प्रिक करता है। और वैसे तो निडल चुबाकर भी स्किन से ब्लड को निकाल सकते हैं, लेकिन इससे कम पेन होता है इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइज ये बटन दबाने पर कुछ ऐसे एकदम क्विकली स्किन में प्रिक होता है, और जो पेन का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए ये देखिए कितनी तेज़ी से ये एकदम से आगे की तरफ जाता है, और स्किन में जब चुभता है तो बहुत ही ज़्यादा कम पेन होता है। लेकिन आपने हमेशा जो लेंसेट है वो हमेशा फ्रेश यूज़ करना है।
अगर पुराना लेंसेट यूज़ करेंगे तो पेन होगा फिर। तो चलिए अब एडजस्ट मीटर से इसको भी एडजस्ट करते हैं गाइस, और ये ओके तो डन हो चुका है। ये 3 पर है और ये 3.5, ये 4, तो 4 पर एडजस्ट मीटर एडजस्ट हो चुका है। और ये है सीपरेट। अगर आप ब्लड शुगर को रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं तो आप सीपरेट का यूज़ ना करें, आप हमेशा हैंड वॉश करके ब्लड शुगर को टेस्ट कर सकते हैं, इससे पेन भी कम होगा। लेकिन इस कंडीशन में मैं हैंड वॉश नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को टच किया है, तो मैं तो सीपरेट का ही यूज़ करूँगा क्योंकि मैं रेगुलर तो इसको यूज़ नहीं कर रहा। और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर रेगुलर बेसिस पर आप चेक कर रहे हैं तो हैंड वॉश करके ही करें। तो ये है ग्लूकोमीटर स्टिप, और ये कुछ इस तरह की दिखेगी आपको स्टिप। कोड 333 की हम ग्लूकोमीटर स्टिप का यूज़ कर रहे हैं। और जो दूसरी स्टिप होती हैं ग्लूकोमीटर की गाइस, वो थोड़ी सी अलग होती हैं, इस पर ब्लड को टच करना पड़ता है और वो सक कर लेती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह जो हमारा ग्लूकोमीटर है उसके अंदर ये स्टिप जाएगी और कोड भी शो होगा। ये देखिए कोड आ रहा है 333 और ये एरर आ गया गाइस। तो हमें स्टिप चेंज करनी पड़ेगी, एक बार दोबारा डाल के देख लेते हैं। अगर एरर ना आए, ब्लड का निशान आएगा ड्रॉप गिरने का, वहाँ पर फिर हमने सैंपल देना है ब्लड का। तो ये देखिए ड्रॉप का आ रहा है ऑप्शन, और हम इसमें सैंपल दे सकते हैं अपनी ब्लड का। तो चलिए मैं अपना ही सैंपल इसमें दे देता हूँ। तो ब्लड निकालने के लिए ये रिंग फिंगर को यूज़ करेंगे। ओके तो पहले लेंसेट को रेडी कर लेते हैं, और मैं इसे 3.5 पर कर लेते हैं, 3.5 ठीक ही होगा। तो इसको रब कर लेते हैं। ओके तो गाइस थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होगा, एक्चुअली अगर ट्राईपॉड होता तो इतनी मेरे लिए दिक्कत भी ना होती। तो इसी बात पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें। तो ये मैं कर रहा हूँ इसे पिक। ओके तो गाइस दूसरी बात ये है कि जब ब्लड आप का सैंपल ले रहे हो तो पहली बार का सैंपल आप यूज़ ना करें, आप दूसरी बार का सैंपल यूज़ करें। ये तो मैं आपको सिखाने के पर्पस से इसमें ये सैंपल दे रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसे लगाना है आपने, या ड्रॉप गिरनी है जिससे ब्लड शुगर की रीडिंग आ जाएगी। तो मेरा ब्लड शुगर लेवल गाइस 94 mg पर डेसीलेटर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे यहाँ पर ऐसे ड्रॉप गिरानी है, टच कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ओके आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पर, और अपने रिलेटिव के साथ जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलूँगा। तब तक स्टे हेल्दी स्टे फिट। ओके टाटा बाय बाय।